आज स्वराज अभियान की तरफ से हम जो काले धन वाला मामला उसको पहले दिन से ट्रैक कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ नीचे प्रेस क्लब में की थी, जहां बताया था कि ब्लैक मनी की तमाम बातों के बावजूद जो हमारे जो विसल ब्लोअर पल्सियानी भारत एचएसबीसी का जिन्होंने डिस्क्लोज किया था इंफॉर्मेशन, जो भारत सरकार के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है लेकिन भारत सरकार उनसे कोऑपरेशन ले नहीं रही, उनसे डायरेक्ट हमने आपकी बात करवाई थी कि किस तरह की चीजें सरकार ब्लैक मनी के नाम पर कर रही है। उसी श्रृंखला में आज हमने एक दूसरा हिस्सा पेश किया कि बैंकिंग सेक्टर के जो लोन उसका कितना बड़ा हिस्सा डूब रहा है। कोई 7,70,000 करोड़ रुपया का लोन खतरे में, जिनमें से कोई 3.25 लाख रुपए का लोन डूब चुका और उसमें से 60,000 करोड़ ऐसा है जिसे सरकार मानती है कि बदनीयती से और बदमाशी से डुबोया गया, जिन लोगों को मिलना चाहिए नहीं था उन लोगों ने बिल्कुल डिफॉल्ट करके उसको कर दिया। जब इसकी हम जांच करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जनता का इतना पैसा क्यों डूबा, तो हमने 7 केस आपके सामने रखे हैं जो बताते हैं कि जब ये लोन दिए गए तो बिल्कुल स्पष्ट था कि ये लोन या तो दिए नहीं जाने चाहिए थे या रीस्ट्रक्चर नहीं किए जाते। इन लोन्स को सरकार ने खुद अपनी गाइडलाइंस को और फाइनेंशियल प्रूडेंस के बेसिक नियमों का उल्लंघन करते हुए, साफ साफ क्रिमिनल चीजों का पता लगने के बावजूद, सरकार के पास एविडेंस होने के बावजूद सरकार ने इनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर होने दिया, जिसमें हमने आज मोदी सरकार के एक मंत्री श्री भाई चौधरी का भी जिक्र किया है जो कि इन इस कैटेगरी में शामिल है, जिनको ये बेनिफिट्स दिए गए, लोन दिया गया जो उनकी क्षमता थी उससे ज्यादा, फिर रिस्ट्रक्चरिंग का एडवांटेज दिया। इन सब की रोशनी में हम ये मांग करते हैं कि अगर ये सरकार थोड़ा सा भी गंभीर है इस देश में देश की जनता को बचाने के लिए और देश की जनता के पैसे को डूबने से बचाने के लिए, ये मल्या वगैरह जिस पैसे पे ऐश कर रहे हैं इनका व्यक्तिगत पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है जिस पे ऐश कर रहे हैं, जिसको गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, जिसको डुबा रहे हैं, और सरकार की जिम्मेवारी है उस पैसे को बचाना। अगर सरकार जिम्मेवार है, गंभीर है, तो हमने 7 कदम बताए जो कि न्यूनतम करने चाहिए। मूल भावना उसकी ये है कि आप ये सारी सूचना सार्वजनिक कीजिए, ये जनता का पैसा है, जनता को जानने का हक है कि हमारा पैसा आप किस किस को लोन देते हो, किस किस शर्तों को तोड़ के लोन देते हो, और जब रीस्ट्रक्चर करते हो तो आपके पास क्या क्या सूचना होती है जिसे आप हमसे छुपा रहे हो। दूसरा, इसमें जिन लोगों ने जानबूझ के जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है, डुबाया है, उन सब की व्यक्तिगत संपत्ति से उसे लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, इन सब की जांच होनी चाहिए, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ और किसमें लेन देन के कारण हुआ। कई जगहों पे हमने एसआर के केस में, कई केसेस में हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए जहां बिल्कुल साफ है कि ये लेन देन के रिश्ते से इन लोन्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, अन्यथा कोई कारण नहीं है इनको लोन मिलने का और डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो जांच होनी चाहिए और आगे एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि आगे इस किस्म के फ्रॉडुलेंट लोन ये लोग ना ले सकें, रिस्ट्रक्चरिंग भी ना करवा सकें, जिसके लिए ये तमाम प्रोविजन सजेस्ट किए गए हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो कि 100 करोड़ से ज्यादा का कोई भी लोन मांगेगा उसका ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन होगा और सब बैंक को उसे मानना कोई एक बैंक और तमाम दूसरे प्रोविजन बने जिससे इसको मजबूत किया जा सके। ये हमारे प्रस्ताव है और ये मामला सिर्फ बैंक की टेक्निकलिटी का नहीं, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट यहां इन्वॉल्व है। अगर 7,70,00,000 रुपया खतरे में है तो आप समझ जाइए भारत सरकार तमाम वेलफेयर स्कीम्स पे जितना पैसा खर्च नहीं करती साल का, उससे ज्यादा पैसा ये अकेली मत
इतना पैसा इंपोर्ट। तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते थे, और जैसा पिछली बार भी कहा, ये इसी श्रृंखला में कुछ ही दिन में हम आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग सूचना रखने वाले हैं कि इस सरकार के बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग खुद क्या कुछ कर रहे हैं, आज की सरकार के बड़े ओहदे वाले लोग क्या खेल खेल रहे हैं, इसमें बैंकों को डुबाने वाले हैं।